हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एनआरडीसी में आई वैकेंसीज के बारे में, जिसमें आपको पता चलेगा पोस्ट का नाम, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी, प्रोसेस और साथ ही साथ आपको सैलरी की जानकारी मिलेगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बात करते हैं एनआरडीसी में आई वैकेंसीज की। एनआरडीसी ने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर तीन प्रकार की वैकेंसीज निकाली हुई है, जिसको अगर आप अचीव कर जाते हैं तो आपका एक शानदार कैरियर इस संस्था में बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन से पोस्ट हैं। सबसे पहला जो पोस्ट है उसका नाम है असिस्टेंट डेवलपमेंट इंजीनियर या साइंटिफिक ऑफिसर, जिसमें क्वालिफिकेशन रखा गया है ग्रेजुएशन, और ये ग्रेजुएशन जो आपका किसी इंजीनियरिंग के किसी भी ब्रांच से किया होना जरूरी है या फिर आपको साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया होना जरूरी है। साथ ही साथ इसमें वर्क एक्सपीरियंस भी रखा गया है और वो वर्क एक्सपीरियंस है एटलीस्ट 2 ईयर्स का, और ये रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। इट मीन्स किसी टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कंसल्टेंसी में। एज लिमिट रखा गया है इस पोस्ट के लिए 28 ईयर्स, और जो लोकेशन है वो लोकेशन है न्यू दिल्ली। अगर आपका सिलेक्शन इस पोस्ट पर हो जाता है तो इसमें जो सैलरी बनेगी वो कुछ इस प्रकार होगी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपकी सैलरी होगी 35,000 और पोस्ट ग्रेजुएट है तो 40,000। अगर आपने डॉक्टरेट इट मीन्स PhD किया हुआ है तो आपकी सैलरी होगी 45,000 पर मंथ की। फिर नेक्स्ट वैकेंसी जो आया हुआ है वो है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, जिसमें क्वालिफिकेशन रखा गया है ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग या साइंस स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। इसमें एज लिमिट जो रखा गया है वो है 26 ईयर्स, और साथ ही साथ जो इसमें वर्क एक्सपीरियंस है एटलीस्ट आपका 1 ईयर का होना चाहिए। इसमें लोकेशन है न्यू दिल्ली, और यदि आपका सिलेक्शन इस पोस्ट पे हो जाता है तो जो आपकी सैलरी बनेगी वो होगी 35,000 पर मंथ की। फिर नेक्स्ट वैकेंसी जो निकला हुआ है उसका नाम है असिस्टेंट अकाउंटेंट, जिसमें क्वालिफिकेशन रखा गया है BCOM, और कोई भी जो अगर इससे रिलेटेड जो डिग्रीज होते हैं वो भी इसमें एलिजिबल होंगे, और साथ ही साथ इसमें आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें जो एज लिमिट रखा गया है वह 26 ईयर्स, और जो लोकेशन है वो है न्यू दिल्ली। यदि आपका सिलेक्शन इस पोस्ट पर हो जाता है तो आपकी जो सैलरी बनेगी वो होगी 21,184 रुपीस पर मंथ की। तो आपके पास एक बहुत ही बढ़िया मौका है इस सारे पोस्ट को पाने का। इसमें जो अप्लाई करने का तरीका है वो ऑनलाइन मोड है, जिसका लिंक आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट एरिया पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो है कुछ इस तरह है कि सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, देन आपको उसे फिल करना है, फिर आपके सारे सर्टिफिकेट्स को अरेंज करके आपको इसमें दिए गए जो ईमेल एड्रेस है उसमें आपको सेंड करना है। ध्यान दीजिएगा, इसका ईमेल एड्रेस जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट एरिया पर मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको ये सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं इसकी हार्ड कॉपी इसके दिए गए पते पर आपको सेंड करना है। ये पता भी आपको इस वीडियो के में आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद जो आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा, और यदि आप इंटरव्यू राउंड आपने क्लियर कर लिया तो आपका सिलेक्शन इस पोस्ट पर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें अप्लाई करने का लास्ट डेट है 16 जून 2022। ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन अप्लाई करने का लास्ट डेट 16 जून है। तो इसे जाइए, और यदि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो इसमें अप्लाई कीजिए, और साथ ही साथ ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। थैंक यू।